जीवित बच्चे को मृत बताने के आरोपों से घिरे मैक्स अस्पताल पर एक और बड़ा आरोप लगा है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की 2015 की रिपोर्ट में दिल्ली के मैक्स अस्पताल को मरीजों से मनमानी कीमत वसूलने का आरोप लगाया गया है। इलाज के लिए इस्तेमाल सामानों पर अस्पताल ने 525% से ज्यादा मुनाफा कमाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि मैक्स अस्पताल ने 11.50 रुपए की सिरिंज को 19.50 रुपए की कीमत पर बेचा। कंपटीशन काउंसिल के मुताबिक मैक्स अस्पताल मरीजों से काफी ज्यादा कीमत चार्ज कर रहा है। इस वक्त न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं, जहां से मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़ इस वक्त इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, अब ये रिपोर्ट तो आ जाती है जिसमें कहा जाता है जो प्राइवेट अस्पताल हैं किस तरह से ये लूट मचाते हैं और बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन कार्रवाई तो होती नहीं। बिल्कुल मीमांसा, यही सबसे दुखद पहलू है। एक के बाद एक पंडोरा बॉक्स खुल रहा है। मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग पर एफआईआर हो गई है, क्राइम ब्रांच जांच कर रहा है। फोर्टिस गुड़गांव का जो अस्पताल है जिसने 16 लाख रुपए एक डेंगू के मरीज से लिए, उसके खिलाफ ब्लड बैंक का लाइसेंस रद्द करने का नोटिस जारी किया गया सरकार की तरफ से। और सरकार अब ये भी कह रही है कि हम एमसीआई से कहेंगे कि अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने के बारे में जाँच करे। अब एक और रिपोर्ट आई है जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, और ये मैक्स अस्पताल पटपड़गंज के मामले में की गई है, जिसमें ये साफ लिखा है कि एक फार्मा कंपनी के साथ मिलकर मैक्स अस्पताल ने मोनोपोली का फायदा उठाते हुए सिरिंजेस का रेट बढ़ा दिया, यानी कि एमआरपी ही बढ़ा दी, और फिर उस बढ़ी हुई एमआरपी पर मरीजों को वो सिरिंज बेचे गए। और ये मार्जिन जो रिपोर्ट कह रही है, तकरीबन 500% का मार्जिन है, यानी जो टोटल बिल हम और आप अस्पताल जाने में देते हैं उसका आधा बिल लगभग कंज्यूमेबल्स का होता है। तो 16 लाख अगर किसी ने बिल दिया तो मान के चलिए कि 8 लाख रुपए इस तरह से दवाओं की एमआरपी बढ़ाकर भी चार्ज किए गए हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये है मीमांसा कि ये 2015 की रिपोर्ट है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, और इस रिपोर्ट के बाद ये कहा गया था कि फार्मा कंपनी भी और अस्पताल भी दोनों मिलीभगत से ये काम कर रहे हैं, और मरीजों तक जो डिस्काउंट का फायदा, जो सस्ती रेट पर कंज्यूमेबल मिलने का फायदा पहुंचाना जाना चाहिए था, वो सब नहीं पहुंचाया गया है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, उस अस्पताल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो अस्पताल आज भी काम कर रहा है, और बहुत मुमकिन है कि इसी तरह से आज भी एमआरपी वहां चार्ज की जा रही हो। जी, और ऐसे बहुत से और भी प्राइवेट अस्पताल हैं पूजा, अब वहां भी ये जांच पड़ताल की जाती है नहीं की जाती, और जैसा आप बता रहे हैं रिपोर्ट 2015 की है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, 2 साल हो गए, तो ये तो फिर सिलसिला आगे ऐसे ही चलता रहेगा। कोई रेगुलेटरी बॉडी इस बात की क्या जरूरत महसूस नहीं की जा रही कि इन पर लगाम कसी जाए, इन अस्पतालों पर जो इस तरह से लूट मचा रहे हैं? देखिए, कल जैसे हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि फोर्टिस जो कि गुड़गांव में आता है उसके खिलाफ हमने कार्रवाई शुरू कर दी है, और हम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से कहेंगे, जो कि देश की इकलौती कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, कि किसी भी निजी अस्पताल के खिलाफ वो कार्रवाई कर सकती है। स्वास्थ्य मंत्री ने कह दिया कि हम एमसीआई से कहेंगे कि वो इसके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन एमसीआई ने अभी तक के इतिहास में किसी भी निजी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की हो ऐसा कोई मामला मुझे याद नहीं पड़ता। इसके अलावा दुखद बात यह है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया खुद भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी है, उस पर अलग जांच चल रही है। तो ये हैंड इन ग्लव्स वाला जो मामला होता है, वही कहीं ना कहीं निजी अस्पतालों के मामले में देखने को मिल रहा है कि जांच के आदेश दे दिए जाते हैं, लेकिन असल कार्रवाई ग्राउंड पर हुई हो या फिर कल जो मरीज जाए उसको न लूटा जाए इसके इंतजाम किए गए हो ऐसा नजर नहीं आता। ये महज कागजी कार्रवाई होती रहती है और इसी का खमियाजा जो है वो मरीजों को भुगतना पड़ता है, और वो बिल्कुल बेबस और लाचार नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।